हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बुलबुलैया टू बुलबुलैया टू फिल्म के रिगार्डिंग मैं सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी स्पेक्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म में क्या स्टोरी हो सकती है क्या फर्स्ट पार्ट के साथ इस फिल्म की स्टोरी जुड़ी जा सकती है या अलग है इसके अलावा

जो सीक्वल पुल जो ऑफिशियली है पार्ट 2007 में रिलीज अक्षय कुमार के साथ लेकर इस फिल्म को बनाया गया था बुलबुल टू की बात करें तो वो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म है हॉरर कॉमेडी जो जोनर होता है वैसे ही अपने आप में काफी श... टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना थो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स है जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म के जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

क्रिएट किए थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहाँ पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुल एट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूज़िक दिया हुआ तनिस पाक जी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए फिल्म्स यानि इस फिल्म को कर रहे है। तो बड़ी भी फिल्म अच्छी हो, अगर होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन रुहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है कियारा आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुले का को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके हैं वहां पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीजर आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द काश्मीर फाइल द काश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रन थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन की ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी वाली रहती है क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूज़िक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन्ड हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज़ हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्पोंड होती रही फाइनली फिल्म को बीस 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज होते हैं अब फिल्म रिलीज के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कहता कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्ग हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है कि यार आडवान अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको जरूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं स्टोरी के ऊपर पूरा दरमदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉर एलिमेंट है वी एफ तो उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीजें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीजों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे वो काफी लाजवाब है किसी होॉर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुए फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुल टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फ़िलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्रत थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुलबुले वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था वी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हो रही है अगर वहाँ पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सैटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर जा कर पाओगे इसके अलावा बुलबुलया पार्ट वन आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली टी सीरीज के चैनल पे देखने को मिलेगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं भूल बुल भुले टू जो ऑफिशियली सीक्वल है बुल भुले पार्ट वन 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ लेकर इस फिल्म को बनाया गया था भूलभुले बुल टू की बात करें तो वो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है हॉरर कॉमेडी जो जोनर होता है वैसे ही अपने आप में काफी टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुल के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स है जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म के जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

क्रिएट थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुल एट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूज़िक दिया हुआ है तनिस पाकची ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए तो काफ़ी बड़ी जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और क्यारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है की आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी पे उसी महल में को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद 15 -20 सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुलिका का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्लेयर डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन के ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते, कुछ वाली रहती है, तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज़ हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा ब्रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्ग हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज़ ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपनी सीरियस रोल में बढ़िया है कि यार आडवान अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको जरूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरामदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वीएफएक्स एफ तो उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीजें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीजों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी अभी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे वो काफी लाजवाब है किसी होरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूज़िक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुल टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुलेआ वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हुजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीजें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी कम, का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलिया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुलबुले वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नजर ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हो रही है अगर वहां पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियल

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुल के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

क्रिएट थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुल एट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेंडी गिल ने म्यूज़िक दिया हुआ तनिस पाक जी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इक्तीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए फिल्म अनिल जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और क्यारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है कि आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे है जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुल पार्ट वन में जहां पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुलेका को वापिस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली ले वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके हैं वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते हैं अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाज़ा जहाँ पर उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीजर आउट हुए वहाँ पर आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्लेयर डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फ़िल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली फैमिली ऑडियंस ऑडियंस में थोड़ी वाली रहती है क्योंकि पूरी तरह से फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया आडवाणी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं स्टोरी के ऊपर पूरा तरम रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूज़िक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुलआ टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विद सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीजें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया भुल वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नजर ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हो रही है अगर वहां पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियल

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं राइटर की बात करें तो फराज साम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे प्रहहा जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

क्रिएट थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष पाक जी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए इस फिल्म अनिल जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और क्यारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज वीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन रुहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है की आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रही है जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से अभी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी पे उसी महल में को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुलिका का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है, है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फ़िल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन

हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा ब्रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर और ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई मा, 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है कि यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरामदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वीएफएक्स एफ तो उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीजें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीजों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे वो काफी लाजवाब है किसी होरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूज़िक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुए फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुलिया वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विद सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीजें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलभुला टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नजर ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी जरूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियल

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना थो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज शाम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज शाम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म के जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाक ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते

करम वीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन रुहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है कि आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुले पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजूले का को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाज़ा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्लेय डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द काश्मीर फाइल द काश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन की ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी वाली रहती है क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूज़िक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरामदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा अब रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 2022 मई को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरामदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी एफ एक्स तो उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीजें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को, जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो डायरेक्टर इन सभी चीजों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रही है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूज़िक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुलैया 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्रत छालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलिया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हो रही है अगर वहाँ पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सैटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर जा कर पाओगे इसके अलावा बुलबुलिया पार्ट वन आपको यूट्यूब पे ऑफिशियलिटी सीरीज के चैनल पे देखने को मिलेगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं भूल बुल भुलेया टू जो ऑफिशियली सीक्वल है बुल भुले पार्ट वन 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ लेकर इस फिल्म को बनाया गया था भूलभुले बुल टू की बात करें तो वो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है हॉरर कॉमेडी जो, जो जोनर होता है वैसे ही अपने आप में काफ़ी टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज शाम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज सामजी जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बज़मी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म के जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूज़िक दिया हुआ है तनिस पाक ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज़ हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए फिल्म्स यानी कि अनिल थडानी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काफ़ी बड़ी है ए फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है किसी फिल्म को हिट होने के चाहे जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए जो ए फिल्म ज़रूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिंद चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबु ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुले पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजूले का को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन लिखा का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन

हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज होते हैं अब फिल्म रिलीज के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीजें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फिलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं स्टोरी के ऊपर पूरा दरमदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी अभी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुलिया टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुलिया वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र छालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनियाहूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें भूलभी राय टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुल है वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था वी एफ अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी जरूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियल

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स है जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिने टोग्राफी देखने को मिल रही है जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही है जिस तरह से बुलबुले का टाइटल रिक्रिएट किया हुआ है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर हम बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए मनु आनंद ने एडिटिंग की हुए बंटी नागी ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने और सॉन्ग्स क्रिएट किया हुए प्रीतम और तनिष बागची ने जहाँ पे तनिष बागची ने इस फिल्म के गानों को रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए थे जो पार्ट वन में क्रिएट किए थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाक ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते

करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है की आर आडवाणी रीत ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रही है जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सब स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुलेका को वापिस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके हैं वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाज़ा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना डीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात ये है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द काश्मीर फाइल द काश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन की ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी गड़बड़ वाली रहती है क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शन वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूज़िक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज़ करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फिलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 2022 मई को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीजें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहां पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे है तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है आडवान अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको जरूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दारमदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी एफ है उस उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीज़र ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने तिरासी करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुल एवन की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मनी छालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी जरूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीजें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो बीस मई दो को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पर मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेंडी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाक ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इक्टिस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए फिल्म्स यानी कि अनिल थडानी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काफ़ी बड़ी है ए फिल्म एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बड़े लेवल पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है किसी फिल्म को हिट होने के चाहे जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिंद वीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुले पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुले का को वापिस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्लेय डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन

हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज होते हैं अब फिल्म रिलीज के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीजें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थियेटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई मा, 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं स्टोरी के ऊपर पूरा दरमदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रही है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले वन की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलभुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुलभुलाया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नजर ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी जरूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीजें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो बीस मई दो को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पर मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो थो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज सामजी जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज श्याम जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स है जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिने टोग्राफी देखने को मिल रही है जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही है जिस तरह से बुलबुले का टाइटल रिक्रिएट किया हुआ है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर हम बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए मनु आनंद ने एडिटिंग की हुए बंटी नागी ने म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने और सॉन्ग्स क्रिएट किया हुए प्रीतम और तनिष बागची ने जहाँ पे तनिष बागची ने इस फिल्म के गानों को रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे प्रीतम ने ओरिजिनल सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए थे जो पार्ट वन में क्रिएट किए थे उसका ही रिक्रिएशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेन्डी गिल ने म्यूज़िक दिया हुआ तनिस पाक जी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज़ हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते तो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स तो की तो ए फिल्म अनिल जितनी भी फिल्म अच्छी हो अगर हिट होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और क्यारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है की आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से भी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी पे उसी महल में को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुलिका का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द काश्मीर फाइल द काश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन की ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी गड़बड़ वाली रहती है क्योंकि क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कहता कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 2022 मई को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीजें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहां पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको जरूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरमदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीज़र ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र तालुकी ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहां पे अक्षय कुमार अमीषा पटेल विद्या बालन सानिया हुजा पर रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया है आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर और कम, कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलभुला टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था वी एफ एक्स अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेब्लिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीजें काफी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नजर ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी जरूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो बीस मई दो को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पर मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ अनीस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज श्याम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज सामजी जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

क्रिएट थे उसका ही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेंडी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाककी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इक्तीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज़ हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते थे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो ए फिल्म्स फिल्म अनिल फिल्म तो फिल्म 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 हिट हो। होना है तो अच्छी स्क्रीन मिलनी चाहिए जो ए फिल्म जरूर दिलवा सकता है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो कास्ट में कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इनके अलावा राजपाल यादव अमर उपाध्याय संजय मिश्रा मिलिन गुनांज करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है किआर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से अभी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुले पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुले का को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह बीस सालों के बाद कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके वहाँ पे कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो औरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्लेय डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रनवे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी गड़बड़ वाली रहती है क्योंकि क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर एक पूरी तरह से दरामदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा ब्रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कहता कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्क हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपनी सीरियस रोल में बढ़िया है किया यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं स्टोरी के ऊपर पूरा दर रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रही वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नज़र आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और ये इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले 1 की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म बो, कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो बीस मई दो को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पर मिस कर देते हो तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली

टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते कि इस फिल्म के साथ अनिस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज श्याम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज सामजी जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर है जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे फिल्म का बजट करीबन 30 से 35 करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म के जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफी रिच नजर आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है वो सभी चीजें बढ़िया नजर आ रही है जिस तरह से बुलबुले का टाइटल टेक रिक्रिएट किया हुआ है वो भी सुनने में अच्छा नजर आ रहा है

पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्ज़न अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेंडी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाक ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉप देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इकतीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज़ हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते

करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबु ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है की आर आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से अभी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलबुलिया पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहां पे उसी महल में मंजुल को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके कार्तिक आर्यन आते अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुलिका का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या ओरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीजर और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द काश्मीर फाइल द काश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रन वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज़ के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इस को देखने के लिए कुछ के रहती है। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीजों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीजों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूज़िक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरामदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस मई दो हज़ार बाईस को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहाँ पे नौ अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज़ होते हैं अब फिल्म रिलीज़ के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थिएटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कहता कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्ग हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज़ हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीजें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है किया यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरामदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉरर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नजर आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुले वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले वन की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हुजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलभुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से भुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था वो अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहाँ पे मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सैटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर जा कर पाओगे इसके बुल बुले या पार्ट तो हजार बुल बुल 2007 में जो रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ लेकर इस फिल्म को बनाया गया था भूलभुले बुल टू की बात करें तो वो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है हॉरर कॉमेडी जो जोनर होता है वैसे ही अपने आप में काफी टफ जोनर होता है एक टाइम पे आपको हंसाना उसी टाइम पे आपको डराना ये सभी चीज़ें एक साथ में करना जो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन बुलबुलिया के साथ अक्षय कुमार ने ये सभी चीज़ें करके दिखाई हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई जैसे कि स्त्री आई थी तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी अब देखते कि इस फिल्म के साथ अनीस बजमी जो इस फिल्म के डरेक्टर है वो किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टर की बात करें तो फराज श्याम जी आकाश कौशिक जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे फराज सामजी जी के साथ आकाश कौशिक ने पूरी तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आकाश कौशिक ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायरेक्शन किया हुआ है अनिस बजमी ने जिन्होंने इससे पहले काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अनिस बजमी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हुई है जिसके चलते उनका मार्केट में कॉमेडी फिल्मों को लेकर काफ़ी बढ़िया नाम है इससे पहले उन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्में दी है जैसे कि रेडी थैंक यू नो प्रॉब्लम सैंडविच नो एंट्री काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है तो इस फिल्म के साथ उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़िया है इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार मुराद खेतानी कृष्णा कुमार ये तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन तीस से पैंतीस करोड़ बताया जा रहा है तो एक मीडियम बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है फिल्म का जो फ्रेम देखने को मिल रहा है सॉन्ग्स और टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा है जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है

थे उसका ही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जहां पे पहला साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलेगा टी सीरीज के चैनल के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है और बुलबुलेट टू का टाइटल ट्रैक है वो हरे राम हरे कृष्णा जिसका रिमिक्स वर्जन अभी फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है जिसके लिरिक्स लिखे हुए मेंडी गिल ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिस पाकी ने सिंगर सेम है नीरज श्रीधर जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन भी गाया हुआ था उनके साथ मेलोडी और बॉब देखने को मिलेगी गाने की लेंथ है तीन मिनट इक्तीस सेकंड और इस गाने को डिसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के गानों को किस तरह से आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि अभी एक ही गाना रिलीज़ हुआ है बाकी के गाने बाकी है अब हम बात कर लेते

करमवीर चौधरी और राजेश शर्मा आपको कुछ मुख्य किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कार्तिक आर्यन रूहान रंधावा यानी कि रूह बाबा का रोल प्ले करेंगे तबू ने कनिका शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है कियारा आडवाणी रित ठाकुर का रोल प्ले कर रही है राजपाल यादव छोटे पंडित का रोल प्ले कर रहे जो पहले पार्ट में भी थे इसके अलावा अमर उपाध्याय आपको कनिका के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे करमवीर चौधरी आपको मुखिया जी के रोल में दिखाई देंगे बाकी सभी कैरेक्टर जैसे कि संजय मिश्रा मिलिन गुना जी इसके अलावा राजेश शर्मा इनके रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो सभी स्टोरी और रोल्स डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से अभी टीजर ट्रेलर आउट हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलबुले पार्ट वन में जहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी जहाँ पे उसी महल में मंजुले का को वापस कैद कर दिया गया था लेकिन कुछ सालों के बाद पंद्रह कुछ अलग ही फैमिली वाले रहने आ चुके सभी लोग बदल चुके कार्तिक आर्यन आते, अब वो ओरिजिनल बाबा है या कुछ ठग है उसका किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन दारू पीने के बाद किसी एक दिन मंजुल लिखा का वो दरवाजा जहाँ पे उसको कैद किया हुआ है वो ताला तोड़ देते उसके बाद में सभी आ, घटनाएं घटने लगती है सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगती है तो हम उन सभी चीज़ों का सामना कैसे करेंगे इसके अलावा कार्तिक आर्यन का किरदार है वो कितना दीप वाला है क्या वो औरिजिनल बाबा है या कुछ अक्षय कुमार के साथ उनका कुछ कनेक्शन है ये सभी चीज़ों में आपको पूरी फिल्म में बनाए रखेगी साथ ही में जहाँ पे राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो फिल्म के कॉमेडी डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए नजर आएंगे ट्रेलर और टीज़र आउट हुए वहाँ पर कार्तिक आर्यन का काम अभी तक डिफरेंट नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है जहाँ पे वो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश करने में कामयाब हो रहे हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें फुल फीचर फिल्म में हमें की देखने में कैसी लगती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी रही डिसेंट रही उसके ऊपर अगर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बढ़िया रहा तो ये फिल्म ज़रूर हिट हो सकती है क्योंकि जिस तरह से टीज़र और ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा है लेकिन फिलहाल में जितनी हिंदी फिल्में आ रही है लास्ट फिल्म जो हिट हुई थी हिंदी फिल्म में वो है द कश्मीर फाइल द कश्मीर फाइल के बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही है हीरोपंती टू साथ ही में रन वे थर्टी फोर ऐसी कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में जो नहीं चल रही है जर्सी नहीं चली थी चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो लेकिन ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर तो अब इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है वो तो रिलीज डेट के वक्त ही पता चलेगा रिलीज के ऊपर बात करें तो बीस मई दो को इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया जाने वाला है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मिस्ट्री हॉरर जोनर को देखने के लिए कुछ सेक्शन ऑडियंस फिक्स रहती है लेकिन फैमिली ऑडियंस में थोड़ी गड़बड़ वाली रहती है क्योंकि फैमिली ऑडियंस पूरी तरह से फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कुछ चीजें डरावने वाली रहती है तो उन सभी चीज़ों की वजह से इस फिल्म के लिए जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड सेक्शंस वाली होती है अगर उसमें अच्छा खासा कलेक्शन करना है तो फिल्म की स्टोरी फिल्म की परफॉर्मेंस सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ये सभी चीज़ों का कमाल बेहतरीन होना चाहिए ऊपर म्यूजिक हॉरर फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से सीन को और उठाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे संदीप श्रीरोधर के ऊपर ये पूरी तरह से दरमदार रहने वाला है रिलीज़ के ऊपर बात करें तो फिल्म को ओरिजिनली इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ करने वाले थे कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हुई बाद में थिएटर ओपन हुए क्लोज हुए थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे ऑडियंस प्रॉपर नहीं आ रही थी जिस वजह से फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही फाइनली फिल्म को बीस 20 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने वाले जहां पे 9 अक्टूबर 2019 को फिल्म को शूटिंग करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी इसके अलावा रेपअप किया गया था 25 फरवरी 2022 को तो फिलहाल में दो तीन महीने पहले ही फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के गाने वो पूरी तरह से कब रिलीज होते हैं अब फिल्म रिलीज के बाद बाकी सभी गाने रिलीज करेंगे बीच में या एक दो गाने आएंगे वो सभी चीजें आने वाले समय में पता चल जाएगी अब जब कभी भी फिल्म बीस मई दो को थियेटर में आएगी तब ऑडियंस का और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कहता कैसा रहता है कैसा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहता है या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कितनी वर्क कर पाएगी जिस तरह से टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह से प्रमोशनल इवेंट्स में देखा जा रहा है कि इस फिल्म का बज अच्छा खासा क्रिएट हुआ है तो अच्छे खासे बस के साथ फिल्म का बजट भी मीडिया में तीस पैंतीस करोड़ का बजट है अगर अच्छी खासी स्टोरी रही तो आराम आराम से हंड्रेड करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो हिंदी फिल्मों का काफ़ी बेड़ा गर्ग हो रहा है जिसके चलते फिल्म काफ़ी फ्लॉप हो ही जा रही है अच्छी अच्छी स्टोरी वाली फिल्में भी फ्लॉप हो रही है जैसे फिलहाल में जर्सी रिलीज हुई थी भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन अच्छी रीमेक थी फिर भी फ्लॉप हो गई तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म कितनी वर्क कर पाती है और ये सभी चीज़ें हमें 20 मई मा, 20 मई 2022 को ही पता चलेगा अदरवाइज ट्रेलर में जितने चीज़ें देखने को मिल रही है सॉन्ग्स जो सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पे काम लाजवाब नजर आ रहा है कार्तिक आर्यन रोहन रंधावा के रोल में अपना कॉमेडी अवतार बाबा वाला अवतार बढ़िया तरीके से निभा रहे तब वो अपने सीरियस रोल में बढ़िया है कि यार आडवानी अच्छी तरह से कार्तिक आर्यन को सपोर्ट कर रही है राजपाल यादव संजय मिश्रा की कॉमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में कार्तिक आर्यन के वन लाइनर्स भी कुछ ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छे स्टोरी के ऊपर पूरा दरामदार रहेगा स्क्रीन प्ले किस तरह से दिखाया जाता है जो हॉर एलिमेंट है वी है उसका काम किस तरह से किया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को बढ़िया बना सकती है या डुबा सकती है हॉरर और कॉमेडी दोनों को जोनर को एक साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो अब डायरेक्टर इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना काम किस तरह से दिखाते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी भी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग्स में देखने को मिल रहे है वो काफ़ी लाजवाब है किसी हॉरर फिल्म में इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिले तो बढ़िया बात है हॉरर कॉमेडी जोनर है इसके साथ अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिलेगा तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सोकेस किया जाएगा तो सीन का उठाव और बेहतर होता है तो ये सभी चीज़ें फिलहाल में ट्रेलर देखते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्रिएट किए हुए कुछ नहीं डाली हुई फिलहाल में ट्रेलर में वो अच्छा नजर आ रहा है एक साउंड ट्रैक रिलीज हुआ है बुलबुले टू का टाइटल ट्रैक जो डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है पहला गाना है जो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाला वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था उसके सामने ये ठीक ठीक नज़र आ रहा है बुलबुलए वन की बात करें तो उसको अभी फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में उस मूवी को अवेलेबल किया हुआ है विथ सॉन्ग्स जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है इस फिल्म को बारह अक्टूबर दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 32 करोड़ बजट के सामने 83 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया होता 2007 में जिसको डायरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है नीरज वोरा ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी मधु मुत्तम ने और इस फिल्म की कहानी यानी कि बुलबुले वन की कहानी मलयालम फिल्म की एक ऑफिशियल रीमेक है मणिचित्र थालू की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे अक्षय कुमार अमिषा पटेल विद्या बालन साइनिया हूजा परेश रावल मनोज जोशी असरानी राजपाल यादव जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इस फिल्म के सभी सीन काफ़ी बढ़िया आइकॉनिक सीन है जहाँ पे बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें वर्क करी थी जिसकी वजह से हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो है वो बढ़िया था जिसकी वजह से ये फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी हॉरर फिल्म होने के बावजूद तो ये सभी चीज़ें बुलबुलाया टू को भी लागू पड़ती है जिस तरह से बुलबुलिया वन में हॉरर कॉमेडी का अच्छा बैलेंस था परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी इसके अलावा सभी कॉमेडी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया हुआ था अभी अच्छा था हॉरर डिपार्टमेंट बढ़िया था जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले था वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था तो सेम अगर उसी तरह से इस फिल्म में भी कुछ एग्जीक्यूशन की कमी नज़र ना आए स्टोरी अच्छी हो स्क्रीन प्ले बढ़िया हो तो ये फिल्म भी ज़रूर हिट हो सकती है फिलहाल में तो इस तरह से हिंदी मार्केट चल रहा है जिसके चलते कोई चीज़ें नहीं फिक्स कहा जा सकती है कि ये फिल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो 20 मई 2022 को फिल्म तो थिएटर में रिलीज हो रही है अगर वहां पर मिस कर दे तो फिल्म को दो तीन महीने के बाद सेटेलाइट चैनल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा उससे पहले ये फिल्म आपको ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिएटर के बाद फिल्म को आप ऑफिशियल इंजॉय कर जा कर पाओगे इसके अलावा बुलबुलए पार्ट वन आपको यूट्यूब ऑफिशियलिटी सीरीज़ के चैनल पे देखने को मिलेगा तो बस गैज बुलबुलए टू फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म का प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हमने बातचीत कर ली है फिल्म कहाँ पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू